आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ और उसके अग्र जब संविधान बन के तैयार हुआ तो उस समय कुछ महत्वपूर्ण समितियां बनाई गई थी, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो है किसी भी कार्य को स्टार्ट करने के लिए कोई प्रोसेस होता है, कोई प्रक्रिया होती है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है प्रक्रिया समिति। और जो प्रक्रिया समिति होगी तो उसका जो सर्वोच्च अधिकारी होगा वही इसका स्टार्ट करेगा। तो उससे आपको याद रखना है कि प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। देन उसके बाद कोई प्रक्रिया होती है, कोई प्रोसेस होता है, तो अगला आपको याद रखना है उसका कुछ कार्य भी होगा। तो कार्य संचालन समिति और इसके अध्यक्ष आपके रखे गए थे। कार्य से याद रखना है, के से याद रखना है, कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी यानी कि के एम मुंशी को कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष चुना गया। जब प्रक्रिया होगी, कार्य हो गया, तो इसके लिए आपको एक संघ भी बनाना पड़ेगा। तो संघ से आपको दो याद रखना है, संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति। इन दोनों के अध्यक्ष पंडित जी को चुना गया, यानी कि पंडित जी को बुलाया गया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति का अध्यक्ष चुना गया। इनके बाद इस सब जब आपकी प्रक्रिया हो गई, कार्य हो गया, संघ बन गया, तो इसके लिए एक प्रांत भी चाहिएगा। तो याद रखना, प्रांतीय संविधान समिति बनाई गई थी। और किसी भी प्रांत का जो अधिकार जो अध्यक्ष होता है वहाँ का सरदार होता है, तो सरदार से याद रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष चुना गया। और जब प्रांतीय संविधान समिति बनी तो वहाँ पर आपको अब यहाँ पर अल्पसंख्यक लोग भी होंगे, तो ये याद रखना है अल्पसंख्यक एवं मौलिक अधिकारों संबंधित परामर्श समिति का अध्यक्ष भी उसी सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना गया। जस्ट उसके बाद इनकी भी दो उप समितियाँ बनी। कौन कौन सी? प्रांत मूल अधिकार संबंधी उप समिति और एक उप समिति बनी थी आपकी अल्पसंख्यक उप समिति। अल्पसंख्यक से याद रखना एच सी मुखर्जी यानी मालवेंद्र कुमार मुखर्जी को इसका अध्यक्ष चुना गया। कौन सी समिति का? अल्पसंख्यक उप समिति का। और आप याद रखोगे मूल अधिकार से संबंधित उप समिति, मूल अधिकार आपके पास है तो आपकी जय है। तो जय से याद रखना है जे बी कृपलानी इसके जो है अध्यक्ष चुने गए मूल अधिकार संबंधी उप समिति। जब मूल अधिकार आपके बन गए तो अब सब कुछ आपका बन के तैयार होगा, तो झंडा की जरूरत होगी। तो झंडे से याद रखना झंडा तत्र समिति। और झंडा जो है वहाँ का मेन जो अध्यक्ष है राष्ट्रपति ही फहराएगा, तो राष्ट्रपति से याद रखना जो हाईएस्ट पावर वाला पर्सन होगा यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को झंडा तत्र समिति का अध्यक्ष चुना गया। और उसके बाद झंडा तत्र उप समिति भी बनाई गई। और उस उप समिति आपके पास झंडा है तो ये इससे याद रखना झंडा है तो आपकी जय है, विजय है। तो जय से याद रखना जे बी कृपलानी को झंडा तदत्त उप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। और सबसे लास्ट इम्पोर्टेंट दो समिति आप याद रखना, मसौदा समिति भीमराव अम्बेडकर को चुना गया। और उसके बाद आप याद रखना पारूप समिति बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भीमराव अम्बेडकर। और भीमराव अम्बेडकर का पूरा नाम भीमराव रामजी अम्बेडकर था। जब बी एन राव द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का प्रारूप तैयार करके रखा गया तो इसी प्रारूप पर विचार विमर्श के लिए एक प्रारूप समिति की गठन किया गया था। और ये गठन जब देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947, उसके 14 दिन बाद आपको याद रखना है 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। और उसकी जो है प्रथम बैठक उसके एक दिन बाद यानी 30 अगस्त 1947 को रखी गई, जिसमें टोटल 7 सदस्य थे। एक था अध्यक्ष जो भीमराव अम्बेडकर था, बाकी 6
अन्य सदस्य थे। तो यही छोटा सा वीडियो आपके लिए आपको हेल्पफुल रहेगा। आप इसको 2 से 3 बार जरूर सुने, आपको पूरा कन्फर्मली समितियाँ याद हो जाएगी, कोई डाउट नहीं रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।